अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी थर्ड क्लास है वीडियो स्क्राइब की, तो आए चलें स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ से न्यू स्क्राइब ली, ठीक है। आज हमने पढ़ना है टेक्स्ट हमने कैसे ऐड करना है, ठीक है। तो ये इधर एक आइकन है नीचे इधर टेक्स्ट का, हमने इसको क्लिक किया। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है आपने जो टेक्स्ट यहाँ पे आपने जो भी लिखेंगे ना वो आगे आपको लिखवा देगा। जैसे लिखता हूँ मैं माय नेम इस फरमान, और यहाँ से आपको आप फॉन्ट वगैरह दे देगा, ठीक है। यहाँ से आप और ऐड भी कर सकते हैं जो सा भी आप फॉन्ट ऐड करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं ये ऐड करता हूँ, वो पूछ रहा है ये सारे स्टाइल ऐड करने हैं आप कर दें, ये सारे करेक्टर्स आ जाएंगे, फिर ये आप फॉन्ट ऐड हो रहे हैं सारे, ठीक है। इसी तरह एक एक करके आप फॉन्ट ऐड कर सकते हैं जो सा भी फॉन्ट आपने इस्तेमाल करना है। अभी देखो ये यहाँ पर ऐड हो चुका है, ये फॉन्ट है, ये आपके अलाइनमेंट दे रहा है कि आपने सेंटर अलाइन करना है, साइड अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है। मैं सेंटर अलाइन ही रहने देता हूँ। इधर आपको ये एक ब्लैक लिखा हुआ है, ब्लैक कलर का बॉक्स बना हुआ है, ये आपको कलर बता रहा है हमने कौन सा कलर में लिखना है, पिंक पर्पल जो सा भी कलर आप रखना चाहते हैं आप वो रख सकते हैं। मैं अगर पिंक रख लेता हूँ, ये मैंने पिंक कलर रखा, ठीक है। फ़ोन मज़े का नहीं है ना, चलें इसको। अब इधर एक टेक्स्ट को दोबारा ऐड करेंगे ना, तो ये दोबारा ऐड करने को कहेगा। हमने अगर इसको एडिट करना है ना, तो हमने क्या करना है, इधर नीचे जाना है, ठीक है। नीचे जाके इधर से हमने एडिट करना है, ठीक है। एलिमेंट प्रॉपर्टीज़, ये हमको दोबारा वही चीज़ आके दे देगा, ठीक है। ये हमें टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ दे रहा है वो। इधर से कोई और फॉन्ट ऐड करते हैं, ये कैसा रहेगा, ये भी सही रहेगा। ये फॉन्ट ऐड कर लेते हैं, ये फॉन्ट कुछ अच्छा लग रहा है, हो गया। यहाँ से टिक कर देना है। अब यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ओके कर देना। अभी देखें ये आ गया, ठीक है ना। कलर अच्छा नहीं लग रहा है, इसका कलर हम अगर बदलें, यहाँ से कलर भी बदल लेते हैं, एक देखते हैं बस, ठीक ही है ये भी। ये देखें यहाँ से इस तरह आपने टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है ना। और आपने अगर लास्ट क्लास पिछली में देखी हो, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर हम इसको दबाते हैं ना, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है जूम एट एंड, ये एंड पे जूम हुआ है ना, ये देखें ये जूम हुआ है। अगर ये आप इसको अनचेक कर देंगे ना, तो ये जूम नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम और कोई चीज़ ऐड करते हैं, ये देखें माय नेम इज़ फरमान, ये इधर रखा, ये हमने एक कैमरा सेट कर दिया कि भाई ये इधर लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम एक इमेज ऐड करते हैं, इमेज आ गई हैं, ये रिकमेंडेड इमेजेस, ये ऑनलाइन आ रही हैं, तो इसमें टाइम आ रहा है, ये इसके अंदर पहले से ही बिल्ड इन है। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, जैसे अगर मैं रखता हूँ अब इसको भी, मैं क्या कहते हैं ना, इसी फ्रेम में रखता हूँ, ठीक है ना। अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी हम आके मिक्स को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये देखें ये ऑप्शंस आ रही हैं, ब्लर ग्लो ब्राइटनेस सैचुरेशन कंट्रास्ट इनर शेडो हम डाल सकते हैं। अब वो पूछ रहा है कितना डालना है आपने, ये इधर से वैल्यूज़ आप चेंज कर सकते हैं, ड्रॉप शेडो डाल सकते हैं, ये देखें इधर से वैल्यूज़ वगैरह चेंज हो जाएंगी, ठीक है। फिर वो ड्राइंग ऑप्शंस दे रहा है, क्या आपने ड्राइंग करनी है, मूव इन करना है, फेड इन करना है। मूव इन करने का मतलब है, ये देखें मूव इन किया ना, अब इसको हम प्ले करते हैं, ये बताएगा कि मूव इन का क्या मतलब कह रहा है। ये देखें ये इसने हाथ से ला के इस तरह रख दिया है। अब जो ड्रा है ना, ड्रा में वो पेंसिल से या पेन से ड्रा करेगा, ठीक है ना। ये देखें ये मूव इन पे ही है, ये ड्रा पे देखें ये ड्रा कर रहा है। ये ऑप्शंस हैं, आपने जिस तरह भी इस्तेमाल करना है ना, इसके लिए प्रैक्टिस आपको लोग करनी पड़ेगी कि
किस तरह आपने इस्तेमाल करना है, कहाँ पे कौन सी चीज़ इस्तेमाल है। अब ये फेड इन पे देखें, एक ही है ज़्यादा, मुझे लग रहा है यही बेटर रहेगी। वो भी अच्छी है हैंड वाली, लेकिन दोनों जहाँ पे जो इस्तेमाल हो जाइए, आपको हैंड्स ऑप्शन दे रहा है कि आपने ये वाला हैंड रखना है, ये हैंड रखना है, कोई हैंड ना हो, ठीक है, पेंसिल से, जिप से, ठीक है, ये आपको ऑप्शंस दे रहा है। फिर ये ऑनलाइन ऑप्शंस भी आ रही हैं आपको कि इस पेन से लिखा जाए, इस पेन से, ठीक है ना, ये लोड होने में टाइम ले रहा है, ठीक है ना, तो ये ऑप्शंस आ जाती हैं। तो मैं बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आपको ताकि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर पाएँ, ठीक है ना। अभी अगर हम इसको चलाते हैं, देखें, मैंने मिस फरमान, फिर नीचे वो उसने बना दिया। अब यही इसके साथ टेक्स्ट के साथ पीछे अगर वो जो बोल रहा होगा वो भी आ जाएगा, ठीक है ना। फिर ये चार्ट्स वगैरह हैं, यहाँ पे आप चार्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसका नेम देंगे, ठीक है, डाटा वैल्यूज़, चैट का चार्ट कौन सा देना है आपने, बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट। बार चार्ट वो होता है वो जो लंबी लंबी लाइनें नहीं होती बिज़नेस के ऊपर जा रही होती हैं, ठीक है। पाई चार्ट होता है गोल, इसके अंदर वो कहते हैं 70%, 80%, वो एक सर्कल में 360 डिग्री वाला, ठीक है। लाइन चार्ट वो होता है वो जो सीधा एक जा रहा होता है, ठीक है। ये आप इसको इधर से ऐड करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर ये बीच में फ़ॉन्ट बता रहा है, फिर लेबल, लोकेशन, इनसाइड, आउटसाइड, ठीक है ना, ये ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।